जय मसीह की। क्रिएटिव माइंड 79 चैनल में आपका स्वागत है गाइस। गाइस आज मैं और मेरी मम्मी मिलकर मटन और आलू बनाने वाले हैं। मैं सिर्फ वीडियो शूट कर रही हूँ और मम्मी मटन और आलू की तैयारी कर रही है बनाने की। तो उसके लिए मैंने आधा किलो मटन लिया है। मटन को अच्छे से कसकर हम तेल के अंदर फ्राई करेंगे, आप देख सकते हैं। और फिर उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, उसके साथ अच्छे से हमने उसको पकाया है। फिर उसके अंदर ऐड करेंगे गाइस हम दही। दही की क्वांटिटी को आप बढ़ा और घटा सकते हैं जितना आप चाहें। उसके साथ में थोड़ी देर हम इसको अच्छे से पकाएंगे और इस तरीके से। फिर हम इसके अंदर गाइस प्याज ऐड करेंगे। प्याज को ब्राउन करके मैंने अलग रखा हुआ था और इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया खुशबू गाइस इसके अंदर आने लगी है। और ये कनाब का मसाला है गाइस। ये है तो मसाला चिकन का, लेकिन आप इसे मटन भी यूज कर सकते हैं। मटन में भी गाइस ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा और बहुत बढ़िया खुशबू इसके अंदर से आती है। तो अब हम मटन को गला लेंगे। मैंने मटन को गलने के लिए रख दिया है। और फिर इसके अंदर हम गाइस हमने जो आलू अलग से गोल्डन कलर में फ्राई करके रखे थे उनको ऐड करेंगे। मटन अच्छे से गल चुका है, अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। आलू ऑलमोस्ट पक ही चुके हैं, हम इसको सिर्फ एक सीटी लगाई मैंने। और ये देखिए रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, आलू और मटन की। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही चटपटी। आप इसे फुलके के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।